अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने चैनल में वापस। आज जो मेरा व्लॉग है वो है चावल बनाने के बारे में। हम राइस बनाएंगे। राइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ प्याज दिया गया है, इसको मैंने छील के कुछ कटिंग कर लिया है, ये आपके सामने है। बारीक इसको कटिंग कर लें। ये हमारे राइस पड़े हैं, अब हम राइस को स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ये पतीली है जिसके अंदर हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। ये देखें आप गाइस, ये देखें ये प्याज हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब मैं अपना बर्नर ऑन करती हूँ। सबसे पहले ये देखें गाइस, ये हमने ओपन कर लिया है। ये हमारा ऑयल वाली बोतल है, इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे, कुछ ऐड ऑयल डालेंगे। मैं अक्सर जो राइस बनाती हूँ उसके अंदर ऑयल के साथ थोड़ा सा घी भी ऐड करती हूँ, ताकि टेस्ट जो है वो राइस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। हम अपना यहाँ से निकालते हैं घी का बॉक्स ये निकाल रहा है। ये अली है, ये मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, आपके सामने है, इसने मुझे बॉक्स निकाल के दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करते हैं राइस। ये देखें इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है। अली प्लीज़ आप मुझे चम्मच पकड़ाएँगे, वो पड़ा हुआ है ये सामने, ये देखें ये हमने चम्मच ले लिया है राइस वाला। अब हम इसके अंदर राइस बनाएंगे। गाइस आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत अच्छा बनने वाला है, काइंडली आप कंप्लीट व्यू कीजिएगा। ऐसे फ्रेंड्स जिनको राइस नहीं बनाने आते उनको भी राइस बनाना आ जाएंगे। बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी से मैं बना रही हूँ। आज जब तक हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखें हमारा बर्नर नॉर्मल फ्लेम पे है, प्याज ब्राउन होता है तब तक के लिए मैं टमाटर कटिंग करती हूँ और सब्ज़ मिर्च कटिंग करती हूँ। ये पड़े हुए हैं हमारे कुछ टमाटर हैं, ये सब्ज़ मिर्च हैं। ये गाइस हम चावलों को भिगो देंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएं। इसके अंदर हम पानी डालते हैं। अली प्लीज़ आप टूटी चलाइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। हाँ ये देखें इसके अंदर पानी डाल के हम इसको भिगो देंगे। दो तीन बार इसको वॉश करना होता है राइस को। उसके बाद वॉश करने के बाद ये देखें इसको हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। ये जब ऐसे वॉश करके इसको भिगो देंगे गाइस, आज किचन में गर्मी तो काफ़ी है लेकिन क्या किया जाए, खाना भी बनाना ज़रूरी है। हमारा राइस को दिल कर रहा था, घर वाले भी डिमांड कर रहे थे, मैंने सोचा चलें राइस बनाए जाएँ। अब मैं ज़रा थोड़ा सा किचन ये देखें बिखरा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्वाइप अप कर लूँ, मतलब थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखें गाइस अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्याज कटिंग करूँगी, सॉरी टमाटर कटिंग करूँगी, आपके सामने है। इसको हम फोर पीस में कर लेंगे। फोर पीस में करने के बाद असल में मैंने एक हैंड में मोबाइल अपना पकड़ा है और एक हैंड से मैं काम कर रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें ये दूसरे बर्नर पे मैंने थोड़ा सा काम करना है, इस वजह से मैंने उसे प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, आपके सामने है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटर। फ्लेम मैं थोड़ी तेज़ कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मुझसे मज़ीद नहीं किचन में खड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं जल्दी काम करने की कोशिश करूँगी ताकि जो हमारी वीडियो है वो भी कंटिन्यू रहे और हमारे राइस भी साथ साथ बने और ये व्लॉग हमारे लिए बहुत ही इंजॉइंग होने वाला है। ये देखें गाइस प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई थी उनको ऐड करेंगे। ये देखें काफ़ी अच्छा बन रहा है, प्याज जो है वो काफ़ी शोर कर रहा है क्योंकि वो गर्म था, उसके अंदर जब टमाटर हुआ तो टमाटर का पानी ऐड हो गया है। ओके अब ये थोड़ा सा हम टमाटर सॉफ्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज, इसके अंदर हम सुरख मिर्च, नमक और गरम मसाला ऐड करेंगे। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं अपने राइस बनाते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा अचार ऐड करती हूँ। ये हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एक आप कह लें स्पेशल सी डिश बन जाती है क्योंकि जो अचार है उनके साथ टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अचार ऐड करते हैं।
उसमें मैं एक लेमन डालूंगी अचार का, ये देखो, और एक हम कैरेट यानी गाजर का पीस डालेंगे, और ये हमारे अचार देखें इसके अंदर चने भी ऐड हैं, और एक मैं सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी ताकि जो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो अचार का टेस्ट है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आए, राइस जो है वो थोड़े टेस्टी हो जाए। ओके गाइस, आपके आप मेरे साथ साथ उम्मीद है व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा व्लॉग आज का आपके सामने है, आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसे कंप्लीट देखेंगे। ये देखें हमारे प्याज की जो थोड़ी शक्ल है वो चेंज हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं क्योंकि अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाले ये हमारे सुरख मिर्च, ये नमक है, मसाला बॉक्स पड़ा है, और इसके साथ जो हमें दूसरे मसाले चाहिए होंगे गरम मसाले का बॉक्स है, ये तीनों बॉक्सेस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें सबसे पहले हम डालेंगे सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। देखें गाइस बहुत ही सिंपल और मज़े के राइस बनेंगे और चंद मिनट्स में आप बहुत टेस्टी और बहुत स्वीटी बना लेंगे। जो भी कोई खाएगा वो आपको देखेगा और याद करेगा। मैंने नमक, वैसे हम नॉर्मली सालन में क्या नमक नहीं डालते लेकिन राइस के अंदर नमक ज़्यादा डालते हैं, इसके अंदर नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। अब इसके अंदर हम ये वाटर पड़ा है वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद वाटर जो आपने डालना है वो राइस की क्वांटिटी के मुताबिक डालना है, जितने मतलब जिस बर्तन से आपने राइस का साइज़ राइस का नाप दिया हुआ है यानी 2 हैं 3 हैं जितनी उसकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने पानी इसके अंदर ऐड करना होता है। अब हमारा प्याज मसाला जो है वो अच्छी तरह भून चुका है, प्याज भी भून चुका है, अब हम इसके अंदर करेंगे वाटर ऐड। ओके गाइस मैं इसके अंदर वाटर डालूँ। ये देखें गाइस ये ग्लास पानी का है, ये वो वाटर है जो मैंने इसके अंदर डालने के लिए रखा था और अब हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। मेरे राइस के ग्लास थे 2 और मैंने वाटर डाला है इसके अंदर, मैं वाटर ऐड करूँगी 3 ग्लास ताकि जो हमारे राइस हैं वो सॉफ्ट बने और अच्छी लुक वाले हों। ये देखें गाइस इसके अंदर अब हमने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जब तक पानी को बॉयल आने लगेगा तब तक हम जो बाकी काम है वो कर लेंगे, और 2 मिनट के अंदर हमारे पानी को बॉयल आएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस जो हमने भिगोए हुए थे। राइस बनाने जब शुरू किए थे तब हमने इसके अंदर ऐड किए थे। चलें अब हम करते हैं थोड़ा किचन साफ़ करते हैं। अली आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ जी। ये लें ये आप फ्रिज में रखा है अचार, मुझे अचार फ्रिज में पड़ा हुआ अच्छा लगता है क्योंकि वो अचार ख़राब नहीं होता। गाइस ये हमारे आप देखें जो पानी है वो उबलने लग गया है, अब हम इसके अंदर जो हमारे राइस पड़े थे वो ऐड करेंगे। ये सारे ऐड हम इसके अंदर कर रहे हैं राइस, ये देखें अब हम राइस को इसके अंदर डालते हैं। तो अब हमने अपने ये जो राइस इसके अंदर डाली है अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दे देंगे। गाइस अब हम अपने राइस चेक करते हैं, ये देखें बॉयल हो रहे हैं, ये देखें चावलों की लुक कभी आएगी। अभी जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा हम इसको पकने देंगे। राउंड अबाउट 7 to 8 मिनट्स आप लोगों ने इसे पकाना होता है, और ये देखें फ्लेम नॉर्मल है, ये हमारी फ्लेम पे हम इसको बना रहे हैं नॉर्मल फ्लेम पे। चलें अब हम देखते हैं हमारे राइस कितने को रेडी हो चुके हैं। जी ये भी पक रहे हैं, पकने दें इसे। देखें गाइस राइस की लुक कितनी अच्छी आ रही है, ये देखें इसमें से भाप निकली और खुशबू का तो मैं आपको बता नहीं सकती कैसी खुशबू है। दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं हम खा सकते, इनको कंप्लीट रेडी करना होगा। आज हम आपको राइस खाते हुए भी दिखाएंगे, अपनी फैमिली के साथ हम कैसे इंजॉय करते हैं।
और आज का हमारा व्लॉग आप देख रहे होंगे, उम्मीद है अभी तक मेरे साथ होंगे। अब हमारे चावलों को दम देने का टाइम आ चुका है। दम मतलब होता है कि आपने एक कपड़ा लेके उसके अंदर इसको, इसका जो ढक्कन होता है यानी इसका जो पतीली का कैप है उसके अंदर कवर करना होता है, फिर इसको हमने दम दे देना है। ये देखें इसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने इसके जो कैप था उसको कवर कर लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी और इसकी फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं और इसके अंदर जो पानी है वो भी सारा ख़त्म हो जाए। ये देखें इसको आपने 5 to 10 मिनट्स दम पे रखना है। चलें गाइस, अब 5 to 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, लेकिन चावलों को पहले हम ओपन करने से पहले ये कुछ प्लेट्स हैं हम इनको रेडी करते हैं। ये हमारे कुछ बर्तन हैं, इनको हम खाना खाने के लिए रखते हैं। इसके साथ मैं कुछ स्पून ऐड करती हूँ। ये जब बच्चे खाते हैं राइस तो बहुत खुश होते हैं, बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छे राइस बने हैं। ये प्लेट्स हैं, ये हमारा चम्मच स्टैंड है, ये हम साथ रखेंगे। साथ कुछ ग्लास ऐड करते हैं और चावलों के साथ आपको पता है जैसा कि कोल्ड ड्रिंक तो बहुत मस्त होती है। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगवाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। और ये हमारे कुछ ग्लास हैं, ये हमारे ग्लासेस के साथ ऐड हो चुके हैं। अब हम अपने चावल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उनके साथ क्या हो चुका है। ये देखें गाइस, अब हमारा इसको ओपन करते हैं। ये देखें इसका व्यू और आप राइस का देखें कितना अच्छा, हर दाना अलग अलग है और राइस कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे राइस बनाने की सिंपल सी और सादा सी रेसिपी, इस राइस के अंदर आपने देखा कि मैंने कोई चीज़ ना कोई आलू ऐड किए हैं ना कोई चिकन, कोई चीज़ नहीं। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है या आपको सिंपल राइस पसंद है तो आप खा सकते हैं। अब हम इसको अपने फैमिली